हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए। ये मेरा पहला वीडियो है, हम इसे एक बार देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमने बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ से एक अपमूव हुआ था, उसके बाद से जब ये रिट्रेस हुआ तो बैंक निफ्टी एक चैनल में फंसा हुआ है। लेकिन जो लास्ट डे में है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, रेड वाला। अगर यहाँ से ये डाउन साइड आता है इस चैनल के नीचे, तो हम इमिजिएटली इसे 100 पॉइंट के लिए हम लोग इसे टारगेट कर सकते हैं। यहाँ भी हमें इसको 15 मिनट्स चैनल चार्ट फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है और यहाँ पे एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है और नीचे से भी, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी इसी आसपास कहीं अगर खुलता है, तो यहाँ से अगर इमिजिएट डाउन साइड हो जाता है, तो हम लोग 100 पॉइंट के लिए हम लोग इसे टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग जितने भी ये जो कॉल्स है, इसे आप शॉर्ट कर सकते हैं ऊपर में 37,800, 37,700, 37,600 के हम लोग आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक पुट भी खरीद सकते हैं नीचे में। चलिए हम लोग अब स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, टाटा स्टील को अगर देखेंगे, टाटा स्टील ने यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है। टाटा स्टील में एक चैनल बना हुआ, आप इस तरह से भी इस चैनल को देख सकते हैं। यहाँ से एक वोलन फ्लैग का भी एक पैटर्न बन जाता है, लेकिन ये इतना क्लियरली तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन है। और यहाँ पे एक रेंज में वो फंसा हुआ है, और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी बना हुआ है बैंक ने, ये टाटा स्टील में। ये देखिए, बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी टाटा स्टील ने बनाया हुआ है। इस टाटा स्टील, अगर इसके नीचे टाटा स्टील आता है, तो यहाँ से हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चैनल है, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस चैनल में एक प्राइस एक्शन भी यहाँ पे जैसे एक बिल्डअप हो रहा था, लेकिन इसके लिए नीचे आया, तो हम लोग इसे सेल करेंगे, या फिर यहाँ से एक बाउंस हो सके और इस चैनल में ये फंस सकता है। इसे भी हम लोग देख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद है मैकडॉल। मैकडॉल अगर हम देखेंगे, तो मैकडॉल ने एक प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, जिसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर गया और यहाँ पे एक एम पैटर्न बना रहा है और बन गया है। अगर इसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक एम पैटर्न बन गया है। यहाँ से जैसे ये नीचे आएगा, इसका इमीजिएटली हम लोग इसे सेल कर सकते हैं। जहाँ से 5 रुपये का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का टारगेट रहेगा। उसके बाद है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में देखिए, इंडसइंड बैंक में भी यहाँ पे ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन था, ये ऊपर में जैसे रेजिस्टेंस लाइन था, यहाँ पे एक, ये मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन था, यहाँ से जब आपको हुआ तो ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर गया, रेजिस्टेंस को फेस किया, नीचे आ गया, फिर यहाँ से एक आपको हुआ, फिर रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और नीचे आ रहा है। तो इमीडिएटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस को अगर बार बार हिट कर रहा है, तो वो ब्रेकआउट दे सकता है। इसके लिए हमें यहाँ पे एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से जो नीचे ट्रेंड लाइन जो जा रहा है, उसी ट्रेंड लाइन का हमारा टारगेट होगा। अगर नीचे में ये ओपन होकर नीचे आता है, तो नहीं तो इसे हम लोग ट्रैक करते रहेंगे, और जब भी इसको ब्रेकआउट हो जाएगा, हम इसे ऊपर की तरफ हम लोग इसे ट्रेड कर देंगे। तो यही था दोस्तों, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के लिए ये था। आप होप इसे एंजॉय कीजिए और ट्रेड कीजिए। थैंक यू।